है, मैं बहुत टाइम से इंग्लैंड में रहता था, वहां जी पे HSMP वीजा पे था, और वहां पे कई वर्षों तक काम करने के बाद में आप मुझे मैंने, एक मदद कर सकते हैं क्या? हाँ बोले, मैं ये चाह रहा था कि मुझे बताया गया है और ये राजीव दीक्षित जी ने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि 1830 से 1800 इसके बीच में जो है विलियम एडम और लॉर्ड मैकाले ने इंडिया का जो है एजुकेशन की स्थिति क्या है इसके बारे में बड़ा लंबा डिस्कोर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है, और उसमें उन्होंने कहा है कि गुरुकुल ऐसे हैं और वैसा है, बहुत बड़ा मतलब विस्तार में कहा है। और ये कुछ रिपोर्ट शायद 1000 पेज से ज्यादा है, 1078 पेज ऐसी कुछ है उसका जो हाँ जो उनका पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। हाँ कैन यू गेट ए कॉपी ऑफ दैट? I can only try that. I can't say anything बिकॉज व्हाट आई फील, because देखिए व्हाट आई फील कि हमें जो बात करना चाहिए वो ऑथेंटिकेशन के बात करना चाहिए, हाँ क्योंकि जरूर, इमोशनल बात करने से तो बात बनेगी नहीं, नंबर हाँ वन। बिल्कुल, हाँ नंबर टू, यदि हम 1830 में ऑलरेडी उस लेवल पे थे, जबकि हम ऑलरेडी, मैं कुछ कुछ किताबें इस बारे में पढ़ रहा था और मैंने पाया कि जो है ना गुरुकुल को कैसे समाप्त किया, कैसे जो है ना कलेक्टर्स और ये लोग जो है, क्योंकि पहले जो है ना बहुत सारे ग्रांट वगैरह पब्लिक से मिलते थे और राजाओं से मिलते थे, तो अब राजाओं तो जो है ना का राजाओं का तो सत्ता इन्होंने हत्या ली अंग्रेजों ने, राइट? तो वो कुछ कुछ कलेक्टर्स उनके कुछ कुछ ग्रांट व्रांट देते थे, तो आई वॉज रीडिंग के कैसे वो जो ना ग्रांट को जो है ना उन्होंने थ्रोटल किया, कैसे क्या किया, तो और फाइनली तो जो लॉर्ड मैकाले एजुकेशन एक्ट लेके आया उसके तहत उन्होंने आचार्यों के जो गुरुकुल के आचार्य थे उनके हाथ वाथ भी कटवाने ऐसे घृणित काम किए हैं। और उसमें मुझे बताया गया कि 18 विषयों के ऊपर जो है ना महासिद्धता जो है ना प्राप्त थी गुरुकुल में, जिसमें कि आपकी मेटलर्जी, खगोल शास्त्र, आपकी जो है जो चिकित्सा है उसमें औषधि और शल्य चिकित्सा दो अलग अलग थी, और शल्य चिकित्सा में उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात इन्होंने कही कि 53 या 56 तरीके की तो चिमटियां थी टू डू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब, मतलब दैट वाज द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम। हाँ, तो हम लोग बहुत हर तरह से संपन्न और समृद्ध देश रहे हैं, इसीलिए तो वो एक आकर्षण का केंद्र रहे कि लोग बाग भारत में आते रहे, और कुछ लोग लूटने के लिए और कुछ लोग यहाँ से कुछ हासिल करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उस समय वो 27% से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट रहता था, और कई तरह की विषय हैं जो कि बहुत गहनता से कई लोगों को जानकारी भी है, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे पता है, लेकिन मेरे को क्या पता है कि मैंने अभी वहां पे जो जीवन जिया और वहां पे जो अनुभव किया, मेरे को फॉर्चुनेटली आई गॉट ए गुड एक्सपोजर ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, तो मेरा वहां पे बहुत अच्छा एक्वेंटेंस रहा, और मैंने अपने अनुभव को करते करते फिर मुझे लगा कि मुझे वापस भारत आना चाहिए और आके कुछ प्रयोग करना चाहिए, तो एक प्रयोग मैंने क्या किया, जब मैं 2013 में वापस आया तो मैंने यहाँ पे कई क्षेत्र के सब बहुत लोगों को, करीबन 800,000 लोगों को बुलाया और एक मीटिंग करी, उसमें IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, लॉयर, ड्राइवर, क्लीनर, मैंने उनको बुला के करीबन 3 घंटे की मीटिंग हुई, तो मैंने उनको एक रोल प्ले दिया, मैंने कहा साहब आप भूल जाइए कि आप अधिकारी हैं, आप करोड़पति हैं, आप गरीब हैं, आप यहाँ पे हैं और टूरिस्ट हैं और आप लंदन में हैं, मैं आपको 5 मिनट का एक रोल प्ले देता हूँ, आप वो 5 मिनट रोल प्ले कीजिए मेरे कहने से, भूल जाइए कि आप अधिकारी हैं, करोड़पति हैं, गरीब हैं, लेकिन मेरे 5 मिनट मेरी बात मान लीजिए, आपको यहाँ बैठे बैठे लंदन दिख जाएगा, 5 मिनट की बात है। लोगों ने, सब लोगों ने अक्षर से उस बात को स्वीकार किया और लोग बाग आश्चर्यचकित थे कि यार इतना बड़ा परिवर्तन 5 मिनट में ही हो गया, तो ये क्या, मैंने कुछ ऐसे प्रयोग किए। उसके बाद में अभी मैं कुछ सफाई के ऊपर भी कुछ प्रयोग करता हूँ, फिर मैं डेनमार्क गया, डेनमार्क में जाके मैंने वेस्ट मैनेजमेंट पे कोर्स किया, वहां से एक फिनलैंड की कंपनी मेरे को जानकारी में आई, फिर वहां से मैं अभी सेमी अंडरग्राउंड बिन इम्पोर्ट करता हूँ, और वो मैं, हाँ वो ये लगाता हूँ कई शहर में, एक आपको 3 मिनट का एक वीडियो भेजूंगा वो आप देखिएगा, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि कचरा पात्र के स्थान पे लोबा कचरा डालने से पहले अपनी चप्पल उतारते हैं फिर कचरा डालते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है, भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में हो रहा है, और हम कचरे के पास कुर्सी लगाते हैं, कचरे के पास अखबार डलवाते हैं,
वहां पे लोग बैठ के कचरे के पास में अखबार पढ़ते हैं कुर्सी पे बैठ के। ये अभूतपूर्व बात है। और ऐसा परिवर्तन जो मेरे पास में डीएम मुजफ्फरनगर राजीव शर्मा साहब का फोन आया कि साहब मेयर को आपकी मदद की जरूरत है। मैं उस समय इंग्लैंड में था, 2019 की बात है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कहा सर मेरी क्या मदद? कह नहीं मेरे को पता चला है कि आप पुष्कर में आपने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे लोगों ने मेरे को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन में अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो वो आत्मदाह करेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि साहब? वो कचरे की बात है। मैं ठीक है, मैं वहां पे पहुंचा सर, आपको जान के आश्चर्य होगा जो 50 साल से लोग पीड़ित थे वो 5 दिन बाद में वहां बैठ के कव्वाली और भजन कर रहे थे उस कचरे के पास में। तो ये व्यवस्था है, मैं बात करता हूँ केवल मात्र व्यवस्था की। और जो भ्रष्टाचार की जो बात है, भ्रष्टाचार न तो कभी इस देश की समस्या था न आज समस्या है। भ्रष्टाचार एक लक्षण है, वो रोग नहीं है। हम रोग को मान के उसको कोशिश कर रहे हैं। आप ही देखिए वर्षों से भ्रष्टाचार मिटाने की बात हो रही है, मिट तो रहा ही नहीं है। तो कम से कम आंख बंद करके एक विचार तो अपने को सबको करना चाहिए कि हम मिटा क्या रहे हैं भ्रष्टाचार एक तरह का। त्रिपाठी जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको ये बताऊं, भ्रष्टाचार जिनको मिटाने की जिम्मेवारी है भ्रष्टाचार के जनक तो वही बन रहे हैं ना। नहीं विषय अलग है, मेरा एक मिनट निवेदन सुने। तो भ्रष्टाचार लक्षण है, भ्रष्टाचार रोग नहीं है। अभी जैसे मैं इंग्लैंड में था तो वहां पे मैंने 3 चीजें बहुत गहराई से अनुभव करी। पहली बात, बेईमानी की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, बेईमानी का रास्ता नहीं। और तीसरी बात, बेईमान को सजा बहुत बड़ी। अब देखिए, अब ये सीक्वेंस है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही कर सकते हो। अब हमने क्या कर रखा, थर्ड को फर्स्ट कर रखा है यहाँ पे भारत में कि बेईमान को सजा की बात करते हैं। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ अपन ये जो बात कर रहे हैं इस एनर्जी को अपन ऐसे ही डिसिपेट नहीं होने देते हैं। तो पहले अपन जो है हम आपके इन सब चीजों को सुनना चाहेंगे, ठीक है ना? तो चाहे वो अपन छोटे छोटे 3-4-5 वीडियो बना लेंगे एक ही बैठक में कर लेंगे, या लगेगा तो अपन एक से ज्यादा बैठक कर लेंगे, ठीक है ना? जरूर जरूर। इसके बाद फिर अपन जो है ना आगे की पार्टनरशिप की बात जरूर। अच्छा मेरा एक निवेदन था कि ना आपका मेरे को पोस्टल एड्रेस SMS कीजिए। तो मैंने एक पुस्तक लिखी है अभी, भावी भारत एक संभावना, उसमें मैं आपको वो भेजना चाहता हूँ। तो हार्ड कॉपी से एड्रेस तो अभी भेज देता हूँ आपको। हाँ तो मैं उसको आपको स्पीड पोस्ट करता हूँ, तो आप एक बार आपको मिल जाएगी तो फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी नेक्स्ट 1 or 2 weeks में आई एम वेरी बिजी, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कई जगह। अभी शाहजहांपुर मेरे को जाना है, कानपुर मेरे को जाना है, अभी मैं अजमेर में हूँ। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश कहाँ का? नहीं, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, लखनऊ, शाहजहांपुर, कानपुर और इधर जयपुर, इटावा और अजमेर, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट। मेरा ये कहना है कि देखिए 24 घंटे कोई बिजी नहीं रहता है, तो चाहे अपन आधा घंटे की हर दिन बात करें आजकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अपन जो है ना लिंक पे करने लगेंगे जरूर। जितने समय तक अपन को अनुकूलता समय की उपलब्धता महसूस होती है जरूर प्रक्रिया। मेरे प्राथमिकता तो यही है कि हम भारत में कुछ करें, लेकिन अभी जो कमिटमेंट किए हुए उनको थोड़ा समय देना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। बाकी तो अपन तो हम उसके बारे में डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अपन किसी चीज के लिए 24 घंटे समय नहीं देते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम निश्चित तौर पे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे हर दिन। हाँ जरूर जरूर, अपनी प्रायोरिटी वही है, अपन समय जरूर निकाल सकते हैं देश के लिए। अपन मैं आया हूँ छोड़ के लंदन, देश के लिए आया हूँ, तो उसके लिए अपनों को और आपके जैसे मनीषियों से अगर बात होती है तो बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी दम पे भारत के किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा दूंगा, और भारत के हर सेक्टर को जो कि CFB के साथ पार्टनरशिप में रहेगा, क्योंकि उसे नहीं होगा, हम हर सेक्टर में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर देंगे और उसकी धुरी मैथिलीशरण गुप्त खुद होंगे। बहुत अच्छा। वो किसी को ज्ञान नहीं बांटेंगे, वो कोई अवेयरनेस नहीं बांटेंगे, जिसको जो भी बांटना है उसको स्किल देंगे, और अच्छा। स्किल थ्रू द प्रोफेशनल शॉर्ट पीरियड में देंगे। बहुत अच्छा। अवेलेबल मशीनरीज को जो उपलब्ध है उनको एज इट इज लेंगे, फिर उसमें RFID लगाएंगे, GPS लगाएंगे, उनको इनोवेट करेंगे, और वी विल गो फॉर द वर्टिकल फार्मिंग ऑल्सो। तो जो हम जो है खेत जो 1 एकड़ का हो गया है या उससे भी कम हो गया है, उसको जो है हम वर्टिकल ले जा करके जो उसका ओरिजिनल स्वरूप भी रहा है उससे भी आगे पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि जो आपकी ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, हम वर्टिकल मकान में रह सकते हैं तो हम वर्टिकल खेती क्यों नहीं कर सकते? हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इंटीग्रेटेड खेती क्यों नहीं कर सकते? हमें जो है
अब जो है जंगल में पेड़ लगाने की बात छोड़ देना चाहिए, वो सरकार करती रहे, हम अपनी प्राइवेट लैंड में जो है हॉर्टिकल्चर प्लांट भी, मेडिसिनल प्लांट पे बहुत ज्यादा जोर है। क्योंकि देखिए पुराने समय में जिनको आप अभी मसाला कहते हैं या आप स्पाइस कहते हैं, एक्चुअली में इनको औषधि कहा जाता था। किचन में जो है ना, आप चाहे अपन उनको मसाले के बतौर यूज करते थे, बट वो सभी चीजें औषधि थी, और पुराने समय में उसे मसाला नहीं कहते थे। मसाला तो मुगल के आने के बाद कहा गया है, उसको पहले उसे औषधि ही कहा जाता था, राइट। तो जब हमारे पास अभी तो जो है ना केमिकल का वारफेयर हो गया है, केमिकल से हटके यदि हम ऑर्गेनिक ये सब चीजें पैदा कर पाएंगे तो वो और अमृततुल हो जाएंगे। औषधि तो है ही, अभी भी है, लेकिन जब वो केमिकल फ्री होंगी तो उसके औषधि गुण और बढ़ जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम औषधि वहां पैदा करें जहां की वो मूल वस्तु है। तो जब हमारे पास 16 जलवायुएं ऑलरेडी हैं और हमारे पास सभी क्लाइमेटिक जोन है, तो हम ये उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ की यहाँ पैदा करने की, वहां की वहां पैदा करने की, राइट। यदि हमारे पास जगह की कमी है तो हम वर्टिकल फार्मिंग में चले जाएंगे। तो हम जो है इनको 100 गुना कीमत पे भी विदेशों में बेचेंगे तो बेचेंगे, तो हम समृद्धता जो है बाय एक्सपोर्ट लाएंगे, हम समृद्धता जो है ना एक पूरा मॉडल है। लेकिन अभी हमारा ये सोच ये है कि हम ये बात आपसे जो ना पहले आपके जो ना इतने जो जिंदगी का निचोड़ है, पहले हम उसे छोटे उसमें सुनना चाहेंगे। उससे क्या होगा कि मुझे ये समझने में समय मिलेगा कि हम आपका जो है हमारी पार्टनरशिप किन किन एस्पेक्ट्स में बहुत एग्रेसिवली हो सकती है, राइट। और हमने एक बड़ा बेसिक ये माना हुआ है कि हम किसी को ज्ञान नहीं बांटेंगे और ना ही अवेयरनेस बांटेंगे। हम ज्ञान और अवेयरनेस उन चीजों के बारे में बांटेंगे जहां अंधकार में आपको रखा गया है इल्यूमिनेट करने के लिए, राइट। चाहे वो आपको संविधान में जो है ना बदमाशी की गई, चाहे हिस्ट्री में बदमाशी की गई है, या लोगों का जो है ना जबरदस्ती जो है ना मेहमानमंडन किया गया है, उन चीजों के बारे में जरूर हम लोगों का ज्ञान बढ़ाएंगे जिससे उन्हें यथार्थ मालूम पड़े। लेकिन जहां तक जो समृद्धि है उसको हम जो है ना प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बहुत सारी चीजें जो है एक व्यक्ति की क्षमता में नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम लेके आएंगे तो वो काम ग्राउंड पे काम करेगा। इकोसिस्टम नहीं होगा तो उसे ग्राउंड पे काम ही नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई बदमाशी करेगा। आज जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कंज्यूमर एंड पर भी है और प्रोड्यूसर एंड पर भी है, और मिडलमैन पैसे बना रहे हैं। तो यदि हम इसी को जो है ना स्ट्रीमलाइन कर दें तो हम दोनों तरह व्यवहार वो ला सकते हैं, कंज्यूमर भी जो है ना सुखी हो जाएगा और प्रोड्यूसर भी सुखी हो जाएगा। जरूर जरूर, राइट। अच्छा, दूसरा जो है बेसिकली आई डोंट टॉक इनफॉर्मली, तो अवर टॉक इज बीइंग रिकॉर्डेड, राइट। आई वुड लाइक टू पब्लिश इट, आई वांट योर परमिशन फॉर दैट। हाँ हाँ, जरूर जरूर, कोई बात नहीं, कोई अपन ऐसी कोई अपने पास में ऐसी कोई विषय भी नहीं है जिसको नहीं किसी से शेयर किया जाए। नहीं, हम तो कह रहे हैं हम तो इनफॉर्मल बात करना ही बंद कर दी। मैंने अपनी जिंदगी को जो है सार्वजनिक जिंदगी बना दिया है। मतलब मैं एक सेकंड के लिए भी बिना रिकॉर्डेड बात ही नहीं करता हूँ। और उसका एक कारण और भी है कि दुष्ट लोग जो है जिन्होंने इतने पाखंड रचे हैं, दे विल मिसक्वोट यू। तो मैं क्या कहा हूँ ये जो है ना किसी दूसरे की शब्दों में क्यों जानने की जरूरत है, मेरी शब्दों में जान लीजिए ना। हाँ जरूर जरूर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जिसको भय उसको हो ना, जहाँ पे कहीं कोई संदेह और किसी तरह के दूसरे इंटेंशन हो तब कहीं भय होता है। जब अपन बात सार्वजनिक और हिताय सर्वहिताय की बात करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, बात ही नहीं। चलिए, तो जो है एक बार फिर से जो है ना बात की शुरुआत करने के लिए मैंने फोन किया था, क्योंकि मेरा भी कुछ कमिटमेंट था, मैं बाहर निकल रहा हूँ। मैं जो है इसका एक सेशन रिकॉर्ड करके आपको, वो लिंक आपकी हमेशा वैलिड रहेगी, इट विल बी माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से हम बात करेंगे और फिर उसको जो है ना अपन अपने जो है ना उसको अपलोड भी करेंगे। जरूर, आप मेरे को वो एक आपका SMS करेंगे एड्रेस, तो मैं एक बुक आपको पोस्ट करूँ। मैं अभी करता हूँ, जस्ट अभी आई विल डू। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों की जो बातचीत है जी, और लोगों का जो जोड़ना है, ये सब कॉस्मिक घटनाएं है। मुझे लग रहा है कि प्रकृति जो परिवर्तन चाह रही है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे पात्र लोगों को विभिन्न जगहों पे ऑलरेडी पैदा किया हुआ है, जो 20-25 सालों से लगे हुए हैं। जरूर, अब ये समय आ गया है कि उन सभी तपस्वियों को हम इकट्ठा करें और उसे प्रोडक्ट और सर्विस बना के
लोगों को दें, ज्ञान ना बांटे। हाँ जरूर जरूर, क्योंकि ज्ञान बांटने में फिर उनको उनको उसे जमीन पे पैदा करना पड़ेगा। हाँ जरूर जरूर। तो जिसने मान लो अभी मोबाइल फोन से अपन बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन वाले ने हमको ज्ञान तो नहीं बांटा ना, उसको हाँ। डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है राइट। तो डिवाइस और सर्विसेज में यूट्यूब वालों ने हमको ज्ञान बांटा क्या? नहीं बांटा। फेसबुक वालों ने ज्ञान बांटा क्या? नहीं बांटा। उन्होंने उसको प्रोडक्ट सर्विस में बना दिया और हम और आप सबको जोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी इन्हीं मैं मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे लग रहा है कि एक कॉस्मिक घटना इस देश को जो है ना समृद्धि के रास्ते में पहुंचाएगी, और समृद्धि ही हमारी बाकी समस्याओं को दूर करेगा। जरूर, क्योंकि खाली पेट जो है ना और सोशल सर्विस करके कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। हाँ नहीं नहीं, वो तो अब यथार्थ में ही चलना पड़ेगा, यथार्थ में चलना। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं साधुवाद देता हूँ गोविंद जी को भी कि उन्होंने अपन लोगों को जोड़ा, नहीं तो हम लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद आपको भी, आपने भी समय निकाल के मुझे फोन किया जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।